टॉम क्रूज अभिनीत मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। इस फिल्म ने पूरी दुनिया में 2000 करोड़ से ज्यादा के कलेक्शन किए हैं। कई देशों में ये फिल्म नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। अमेरिका में ही फिल्म के कुल कलेक्शन 700 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। भारत में इस मूवी को अंग्रेजी के अलावा कई भाषाओं में भी डब करके रिलीज किया गया है। फिल्म ने पहले दिन 12.3 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 8.75 करोड़ रुपए, तीसरे दिन 9.15 करोड़ रुपए, चौथे दिन 16 करोड़ और पांचवे दिन 17.36 करोड़ रुपए, छठे दिन 5 करोड़ और सातवे दिन 4.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। 7 दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन 72.85 करोड़ रुपए रहा। भारत में टॉम की फिल्म बन सकती है सबसे सफल फिल्म। अगर मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज की बात की जाए तो मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट ने 80 करोड़ का कलेक्शन किया था। मिशन इम्पॉसिबल 7 जल्द ही भारत में टॉम क्रूज की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन जाएगी। संभव है कि 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाए। क्या है कहानी? फिल्म की कहानी के बारे में आपको बताते हैं। इंथन हंट के सामने एक बेहद कठिन मिशन है जिसे उसे हर हाल में अंजाम देना है। आपने टेक्निकल फील्ड में एजेंट बेंजिल्डन, MI6 एजेंट लिसा और IMF कंप्यूटर टेक्नीशियन लुथर के साथ वह ऐसी चाबी की तलाश में निकल पड़ता है जो दो हिस्सों में बटी हुई है। चाबी के इन दो हिस्सों को जोड़कर कुछ ऐसा खोला जा सकता है जिससे विनाश हो सकता है। चाबी के पीछे अनेक लोग पड़े हुए हैं। कहाँ है चाबी के दो हिस्से? इनसे क्या खुल सकता है? ऐसा क्या है जिससे सर्वनाश हो सकता है? इन सवालों के जवाब भी हंट को खोजने हैं और यह सब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। क्यों है फिल्म हिट? दिमाग में लगातार देखने वाला स्क्रीन प्ले, रोमांचक उतार चढ़ाव और एक्शन का डोज और 61 साल में जादू जगाते टॉम क्रूज की फिल्म के आकर्षण को बढ़ाते हैं। निर्देशन क्रिस्टोफर मैकवेरी की तारीफ इसलिए भी की जा सकती है कि उन्होंने कहानी और अपना प्रस्तुतिकरण इस तरह से रखा है कि इस सीरीज का इतिहास देखने जाने बिना कोई भी इसे देख सकता है। कहानी के रोमांच को बनाए रखने में क्रिस्टोफर मैकवेरी ने सफलता हासिल की है। सही समय पर ट्विस्ट और एक्शन सिक्वेंस रखकर वे दर्शकों से जोड़े रखते हैं।